नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल जहां छोड़ा था अपन ने क्लास को, वहीं से आज फिर शुरू करेंगे। कल अपन ने रबी, खरीफ और जायद, ये ऋतु के आधार पर फसलों को पढ़ लिया था, और आज उसके आगे कुछ और वर्गीकरण पढ़ते हैं। उसके बाद में अपन कृषि का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर कृषि के जो विभिन्न अनाज है वो कहाँ अधिक है, ये उत्पादक जिले पूछे जाते हैं, फिर इनकी फसलों से संबंधित रोग वगैरह, ऐसे करके कृषि का एक एक टॉपिक को अपन उठाएंगे और एक एक को व्यवस्थित पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। समय नहीं गवाएंगे, ऐसी कोई बात होगी तो बीच में करते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आज जीवन चक्र के आधार पर जो वर्गीकरण है, यानी कोई फसलें होती है जो एक साल में एक बार ही उगाई जाती है, कोई फसलें होती है जो दो साल के लिए उगाई जाती है, दो साल में उनसे पैदावार प्राप्त होती है, किसी पर तीन साल से और किसी पर उससे ज्यादा साल तक पैदावार प्राप्त होती है। तो ऐसी फसलें जो होती है वो जीवन चक्र के आधार पर बांटा गया उन्हें। तो उनमें सबसे पहला जो अपना वर्गीकरण है साथियों, वो एक वर्षीय है। तो एक वर्ष में यानी एक बार ही उससे पैदावार प्राप्त होगी। तो इसमें अपने जो है ज्यादातर अनाज आ जाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, चना, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली, सरसों, आलू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, इसके अलावा और भी है फसलें ऐसी जो एक वर्ष में, अधिकांश ज्यादातर फसलें एक वर्षीय ही उगाई जाती है। फिर जैसे द्विवर्षीय है तो उसमें आपके प्याज, चुकंदर आदि जो आती है, जो दो वर्षीय इनका जीवन चक्र होता है। बहुवर्षीय के अंदर जो उदाहरण पढ़ने मिलते हैं वो नेपियर, घास, रिजगा, फल। फल में यूं है कि कई एक वर्षीय, कुछ एक वर्षीय भी होते हैं और कुछ जो है वो एक बार लगा देते हैं तो बार बार उनके ऊपर से फल प्राप्त होते ही रहते हैं। तो इस तरीके से जीवन चक्र, इसमें क्या करना है, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक बार नजर मार लेना सरसरी, याद हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ऐसे लोड लेने की आवश्यकता नहीं। जहां पे अधिक महत्वपूर्ण होता है वहां मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ कि ये अधिक महत्वपूर्ण है, ये 100% याद रहना चाहिए। यहाँ पे ये चीजें जो बता रहा हूँ आपको, ये एक बार पढ़नी जरूरी जरूर है, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दे, ऐसा भी नहीं चलेगा, पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग को अपन नहीं पढ़ सकते, उस समय उसका दिमाग कैसे चल रहा है, वो कैसे प्रश्न देगा, उसे समझ नहीं सकते, इसलिए पढ़ना जरूरी है। बहुवर्षीय ये पढ़ लिया अपन ने, उपयोगिता के आधार पर। अब उपयोगिता के आधार पर जैसे कुछ का दालों के रूप में उपयोग होता है, कुछ का तिलहनी फसलें हैं तो तेल के रूप में उपयोग होता है, ऐसे उपयोगिता के आधार पर अलग अलग फसलें अलग अलग फसलें हैं जिसमें आपके आ जाएगी तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें क्या होते हैं, द्विबीजपत्र आपने पढ़ा होगा विज्ञान के अंदर, वैसे पढ़ते हैं। तो इसमें तिलहनी फसलें यानी कि उनसे तेल प्राप्त होता है, सीधा सिंपल, मतलब ज्यादा जटिल नहीं करना है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, जीके जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से भी उस चीज को भी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, सर ये ऐसे है तो इसमें और ऐसे कैसे होगा, क्यों करना अपन को और ऐसे कैसे क्यों, मैं आपको एग्जाम के लेवल पर लेकर चल रहा हूं, और अंदर ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे होगा, इसका वो क्या होगा, इसका वो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं। एक तो क्या है कि हजारों कमेंट आते ही है, ये तो विद्यार्थियों का प्रेम है, हालांकि जब इतना कमेंट और इतना मतलब स्नेह प्रेम दिखाते हैं, बाकी जो मतलब अंदर ज्यादा घुसते हैं ना, देखो अति हर चीज की नुकसानदेह है, तो जितना चाहिए उतना मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। बाकी इससे भी गहराई पर जाना चाहो तो देखो जीके भी अथा है, जितना अंदर गोता लगाओगे, रीट में कई जनों ने लगाए गोते, मैंने मार्गदर्शन के बहुत वीडियो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ऊपर के प्रश्न जरूर पढ़ लेना अच्छी तरीके से, गलतियां मत करना, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन कई जने गोते लगाने से बाज नहीं आए। उसके बाद में वही व्यक्ति मिले मुझसे, और वे व्यक्ति जिन्होंने, उन्होंने मुझे कहा है कि सर आपने सही कहा था, और उसके बाद हमने फिर भी नहीं मानी और हमने ये गलती की, आगे से नहीं करेंगे। तो मतलब हम जो बताते हैं साथियों, ऐसा नहीं कि हवा में तीर नहीं चला रहे, एक निश्चित विश्लेषण के बाद में और अनुभव के आधार पर बताते हैं कि ये चीज होती है, तो उसे फॉलो करना नहीं करना स्टूडेंट के ऊपर है, कि वो चाहे तो फॉलो कर सकता है, हम जबरदस्ती तो देखो नहीं कर सकते, मार्ग बता सकते कि ये सफलता की ओर ज्यादा, धक्का दे नहीं भेज सकोगे, जा रहे इंसान है, कोई जानवर तो है, कौन के धक्का दे भेजता के जा इन मार्ग बातें चलना, समझा सकते हैं कि ये चीज ऐसे होती है और ये ऐसे ही होगी, बाकी आप समझना नहीं समझना वो विद्यार्थियों का स्वतंत्र निर्णय होता है, ठीक है ना। तो ये देखो तिलहनी में देखो सरसों का तेल होता है, अरंडी, तिल, मूंगफली, अलसी, राई, ऐसे सूरजमुखी वगैरह, रतन जो 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 हो बा, बहुत सारी है तिलहनी फसलें। हालांकि यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूं इतनी और बहुत सारी है, कल की क्लास में भी ऐसा ही हुआ था, लिखा था उससे डबल मास्टर बोल के बताया था आपको। तो ये सारी चीजें आप सुनोगे भी ना, एक से दो बार क्लास देखोगे भी, सुनोगे भी, तब भी आपके फायदा ही होगा, कहीं ना कहीं नुकसान कुछ भी नहीं है। फालतू अनर्गल बातें अपन क्लास में वैसे करते भी नहीं है, जो आपके काम की होगी वही चीज बताते हैं।
दलहनी फसलों में क्या आएगा? जिस दालें हैं, सीधी सी दाल है, चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मटर की दाल, मसूर की दाल। ये मूंग और मसूर की दाल एक मुहावरा भी है, ये दालें बढ़िया है। वैसे चने की दाल सबसे ज्यादा खाई जाती है, आपको पता ही है, कल बताया बेसन वगैरह। उड़द की दाल से ही बात बताऊं, मुझे नहीं भाती है, उड़द की दाल घर पे बनता है ना, तो मेरे लिए उड़द की दाल जिस दिन बनती है उस दिन अलग से सब्जी बनती है, मुझे थोड़ी कम पसंद है। बाकी गुणकारी बहुत है उड़द की दाल, है ना। उड़द की दाल में भी काली उड़द और अलग अलग बहुत आती है, और मूंग की दाल अपने बहुत काम में आती है, ये भी दाल ढोकली वगैरह जो भी बनाते हैं, तो ये सारी चीजें। देखो पश्चिमी राजस्थान का हूँ रहने वाला, तो पश्चिमी राजस्थान का टच आएगा, ये दाल ढोकली तो मतलब यहाँ का बहुत पश्चिमी राजस्थान स्थानीय व्यंजन बहुत बढ़िया है ये, ठीक है ना। मटर मसूर ये सारी जो है दालें दलहनी फसलें हैं। मसाला, मसालों के अंदर अब मतलब बताने लायक, हालांकि आपको सब पता है ये चीजें, अदरक पुदीना प्याज लहसुन जीरा सौंफ हल्दी और भी बहुत सारे मसाले हैं ना, खूब है, राई वगैरह जो भी मसाले, आपको पता ही है ये मसाले का। अब मसालों में, अब आंकड़ों में ऐसा है कि कई, जैसे कल की क्लास थी तो उसमें भी कई विद्यार्थी के सर ये वहाँ है ये वहाँ है। देखो एक तो सरसों मंडी का कमेंट मुझे याद आ रहा है, मैंने देखा था कि सर आप सरसों मंडी सुमेरपुर में कह रहे हो। भैया एक तो आप धैर्य नहीं रखते हो, एक ध्यान से देखते नहीं हो कि सर क्या चीज कह रहे हैं क्या कैसे कह रहे हैं, लैंग्वेज का फर्क होता है। सरसों अनुसंधान केंद्र पूछे तो सेवर भरतपुर में जाना है आपको, और सरसों मंडी पूछे तो सीधे सुमेरपुर आना है आपको, ठीक है ना, ये फर्क होते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर एक कमेंट आया था कि हमने अन्न का कटोरा गंगानगर पढ़ा है, बिल्कुल मैंने कब कहा कि गंगानगर को नहीं कहते हैं। देखो उपनाम दिया है उसे, वो आपको वही याद रखना है, लेकिन अब कृषि में और मतलब ज्योग्राफी जब पढ़ते हो ना आप, ज्योग्राफी क्या, ये तो आर्थिकी से संबंधित टॉपिक है, आप समझदार इतने हो, आपको खुद को पता है कि आंकड़े चेंज होते हैं, नई नई गणनाएं होती हैं, आंकड़े बदलते रहते हैं, हमको खुद को समस्या आती है ये चीज पढ़ाने में, क्यों, हमारे दिमाग में भी पहले वाले आंकड़े रहते हैं, लेकिन अपडेट करना पड़ता है अपने आप को। तो आप भी अपडेट करें कि अब कहाँ है, अब इससे पहले जयपुर में था अनाज का, ठीक है ना, सबसे ज्यादा, लेकिन वो भी अब क्या है, अब अलवर में। इसके अलावा कृषि में उत्पादन के अनुसार अलग चलेगा, और मैंने आपको उत्पादन के अनुसार बताया, उत्पादन के अनुसार अलग चलेगा, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसलें अलग चलेगी। मतलब यूं है कि जटिलता बहुत है, मैं आपको आसान करके दे रहा हूँ कि ये है, उलझा हुआ है मैं सुलझा के दे रहा हूँ कि ये ले लो भैया ये है, बाकी उलझना चाहो बहुत है, आप गाइड उठाकर देख लेना, बुक उठाकर देख लेना, आप उलझ के रह जाओगे कि इसमें से क्या याद करें क्या छोड़े। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है, हमारे सामने भी समस्या रहती है कि इसमें से विद्यार्थियों को क्या दें और क्या नहीं दें, और हमें ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी होती है कि विद्यार्थियों को वह चीज देनी है जो एग्जाम में आए और उनको नुकसान ना हो, छूटे नहीं, और वह चीज हमको उसमें से निकालनी पड़ती है, इतने सारे में से इतना सा निकाल कर देना पड़ता है, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ इस चीज को आप समझ रहे हो, और आगे अपनी तैयारी के अंदर भी इसको आप ध्यान में रखोगे, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आरएएस आईएएस भी क्यों नहीं दे रहे हो, इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। अब देखो बहुत बढ़िया, ये उद्दीपक फसलें, उद्दीपक क्या होती है, उद्दीपक का मतलब ऐसे साइकोलॉजी आपने पढ़ी, उत्तेजित करने वाला, उत्तेजना वाला, तो उत्तेजित करने वाला देखो तंबाकू पोस्त अफीम चाय कॉफी भांग धतूरा, ये सारे यानी नशे की चीजें हैं। कैसी है, नशे की चीजें, हालांकि इन्हें इनका सेवन करना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तेजना लाता है, उत्तेजना लाता है, तो वह चीज आदि करती है, दिमाग को उसका आदि कर देती है कि हाँ अब तो मतलब आलस आ रहा, वो इसको ये जो सेवन करते हैं वो लेने वाले ही, वो मतलब उनके कहते हैं दिमाग में तरंगा उठन डूब जा, हम मतलब ले लिया अभी के बाद में मैं कोई भी काम करा दो, पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ा दो भैया, मतलब एक सांस में चढ़ जाइए, इतनी मतलब उत्तेजना। हालांकि मैं यूं नहीं कह रही हूँ कि आपने सेवन करना, हाँ हाँ गलत चीज है, खोटी है, सेवन तो करना ही कौन है, बस समझ लो सब चीज है कि किनो काम का ही है, ठीक है ना। तंबाकू पोस्त वगैरह ये सब देखो, धतूरा वगैरह, अब ये अपने देवताओं में देखा था भांग धतूरा जो है महादेव जी के बहुत चढ़ता है, वैसे अफीम ये चाय, इसके तो नशेड़ी बहुत है, मैं भी दिन में 2 बार पीनी पड़ती है, एक बार स्कूल में पीते हैं, एक बार घर आके पीते, हालांकि सब बातें दिल खोल के आपको करता हूँ, स्टूडेंट नहीं मानता हूँ, आपको परिवार का सदस्य मान रहा हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। कॉफी, चाय से ज्यादा नुकसान कॉफी करती है, कहवा है ना, ज्यादा नुकसान ये करती है, कैफेन की मात्रा आती है, तो कैफेन क्या है, वो तो उत्तेजना लाता है दिमाग के अंदर, तो इस वजह से क्या है कि वो स्फूर्ति आती है, एक स्फूर्ति सी महसूस होती है, इसलिए नशा करते हैं ये सब। भांग बहुत बेकार नशा है भांग का, ये धतूरा वगैरह, महादेव जी संबंध, एक देवासियों का भजन भी है यहाँ पे अपने पश्चिमी राजस्थान का, बहुत मतलब देवासी ज्यादा गाते हैं उसे, और बिल्कुल देसी भाषा भजन है। चलो एक लाइन सुनाता हूँ आपको, हालांकि आवाज आज सही है नहीं, मतलब वो मस्त लगता है मुझे, वो पूरा भजन आता है, हालांकि
एक चीज सुनाता हूँ, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी राजस्थान दक्षिणी राजस्थान ये भी विद्यार्थी बहुत सारे हैं, तो उन्हें भी पता चले कि हाँ इसमें मजा है कि नहीं है। वो भजन ऐसा है, ये देखो ये इनसे संबंधित है, ठीक है, भांग और तम्बाकू। पार्वती जी रूठ जाते हैं महादेव जी से, क्योंकि महादेव जी कहते हैं कि नशा करते हैं, और इस वजह से वो रूठ जाते हैं, और वो मतलब उनको अलग अलग तरह से मीठी मीठी धमकियां देके बताते हैं कि आप ये छोड़ दो, नहीं तो फिर मैं रूठ जाऊंगी, मैं चले जाऊंगी। तो पार्वती जी गाते हैं, कहने का मतलब ये कि भांग तम्बाकू पियो महादेव जी, भांग तम्बाकू पियो महादेव जी, नागणी बन जाऊं रे मैं तो नागणी बन जाऊं रे, अर प्याल लोक में जाओ महादेव जी, भांग तम्बाकू नहीं पीवना। जब देसी भजन सुनने में बैठते हैं ना तो आनंद आता है ये सुनने का, और मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का थोड़ा ज्यादा है। कॉलेज के टाइम में मिमिक्री आर्टिस्ट भी था, मिमिक्री करता था काफी लोगों के, तो ये चीजें जो है थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना जरूरी, नहीं तो स्ट्रेस इतना हो जाए आदमी घायल हो सकता है, तो ये थोड़ा सा एंटरटेन भी होना जरूरी है। आप भी पढ़ाई को स्ट्रेस की तरह मत लेना, एकदम आराम से इजी वे में करो, बहुत अच्छा आपको लगेगा और आपकी पढ़ाई के प्रति रुझान भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, शर्करा, शर्करा यानी ग्लूकोज जिस फसलों में प्राप्त होता है, शक्कर प्राप्त होती है, सीधी सी बात है। तो शक्कर अपन उद्योग में पढ़ेंगे भी, गन्ना और चुकंदर से राजस्थान के अंदर शक्कर प्राप्त की जाती है, अपने शर्करा वाली फसलें ये है, ठीक है। नकदी, नकदी सीधी सी बात है, कैश, कैश के लिए जिन फसलों को उगाया जाता है, जिनसे अधिक से अधिक नकदी प्राप्त की जा सके, तो उसमें आपके जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, चाय, कहवा, और भी बहुत सारी नकदी फसलें हैं, जूट वगैरह, खूब सारी है नकदी फसलें होती है। तो यानी कि इनका तात्पर्य ये होता है। अब इसमें से कई फसलें ऐसी है कि आप कहोगे कि सर ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्यों नहीं आ सकती है, बिल्कुल। कोई फसलें जो है, अब देखो नकदी भी है ये शर्करा भी है, बिल्कुल होगी, तो ये वर्गीकरण इसमें क्रॉस होगा, कोई दिक्कत जैसी बात है नहीं, आराम से इसे नोट कर लो। इसके बाद में अपन कृषि का वर्गीकरण पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लो एक बार। साथियों, ऐसा है कि कृषि को और भी अलग वर्गीकरण इसके अपन देखते हैं। इसमें अब सबसे पहला अपन देख रहे हैं भूमि की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण। उपलब्धता कितनी है भूमि की, उस आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक तो गहन कृषि, एक विस्तृत कृषि। समझ लेना एक बार अच्छे से, फिर आपके ज्यादा समस्या नहीं आएगी। गहन कृषि में क्या होता है, कृषि योग्य भूमि कम होती है, इस चीज को ध्यान रखना, कम होती है कृषि योग्य भूमि, कम होती है। जबकि विस्तृत कृषि में क्या होगा, कृषि योग्य भूमि अधिक होगी, ये मतलब इसके विपरीत है, बिल्कुल विपरीत चलेगी। जनसंख्या का दबाव यहां अधिक होगा, यहां पे भूमि कम है जनसंख्या अधिक है, यहां पे भूमि अधिक है जनसंख्या कम है। एक तरह से ये कह सकती हूँ कि ये कृषि विकसित देशों में ज्यादा होती है और ये विकासशील देशों में अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे अपनी जनसंख्या अधिक है, तो जब यहाँ पे जनसंख्या कम है तो यानी कि लोगों की कमी है, कम रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये व्यापारिक कृषि होगी, यांत्रिक कृषि यानी यंत्रों का, मशीनों का ज्यादा उपयोग होगा, ये आधुनिक कृषि होगी, ये सारी विस्तृत के अंदर आएगी। और यहाँ पे जो है जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, तो ये इसके बिल्कुल विपरीत चलेगी। याद कैसे रखें साथियों, तो ये देखना कि विस्तृत के अंदर आपको ज्यादा अक्षर दिखेंगे और गहन के अंदर आपको कम अक्षर दिखेंगे। विस्तृत के अंदर आपको ज्यादा है यानी कि यहाँ पे भूमि ज्यादा है, भूमि कैसी है, अधिक है, भूमि से रखना सीधा संबंध, ठीक है। और यहाँ पे गहन में अक्षर कम है तो यहाँ पे भूमि कैसी है, कम है। बस ये याद रखने का तरीका है, ताकि आप वहां पे वापस ये जब लैंग्वेज आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो इसके अंदर, इसलिए ये याद रखने का तरीका जरूरी है। एक तरह की कृषि आती है जिसे समोच्च कृषि कहा जाता है, ये पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि, सिर्फ इसको बस एक बार पढ़ लेना, हाँ समोच्च कृषि क्या है, पहाड़ी ढालों के विपरीत, पहाड़ी ढालों पर जो कृषि की जाती है वो समोच्च कृषि के अंदर आती है। अब कुछ कृषि के जैसे आपके तरीके होते हैं, कुछ अलग अलग इनके नाम दिए गए, उसमें आपके आएगा मोनोकल्चर, ड्यूओकल्चर, ओलिगोकल्चर, रिले क्रॉपिंग। अब इनमें ये क्या चीजें हैं, तो इसमें देखना, समझना एक बार कि मोनोकल्चर जो है इसे एक फसली कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक फसली कृषि। एक फसली कैसे, कि एक वर्ष एक खेत और उसमें एक ही फसल प्राप्त करना, एक खेत में एक वर्ष के अंदर एक ही फसल जब प्राप्त की जाती है तो वह कहलाती है आपके मोनोकल्चर या एक फसली कृषि कहलाती है। जैसे आपके अरंडी है, सूरजमुखी है, ये ऐसी और भी फसलें हैं जो एक वर्ष में एक बार ही प्राप्त की जाती है, तो वो आएगी आपके मोनोकल्चर के अंदर। ड्यूओकल्चर, ड्यूओ यानी दो होता है, वापस ये सब जगह एक ही रहेगा, एक वर्ष एक खेत, ये सब जगह एक रहेगा, लेकिन यहाँ पे फसल दो प्राप्त की जाती है। कैसे,
रबी और खरीफ दोनों फसलें उस खेत से एक वर्ष में प्राप्त की जाती है, तो आपके ये आ जाती है किसके अंदर, ड्यूओकल्चर या द्विफसली कृषि के अंदर आ जाती है। ओलिगोकल्चर, इसमें आएगी आपके तीन फसल, ये एक ही रहेगा, एक वर्ष एक खेत, ये आपको लिखना है साथ में, ठीक है ना। मैंने बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से नहीं लिखा है, आपको हर में लिखना है एक वर्ष एक खेत एक फसल, या लिखोगे एक वर्ष एक खेत दो फसल, या लिखोगे एक वर्ष एक खेत तीन फसल। याद कैसे रखोगे, यहां तो बता दिया मोनो यानी एक ही है आपको पता है इसमें, और ड्यूओ यानी दो है, यहां कैसे याद रखोगे। ओलिगो, ओलिगो लिखने से पहले आपको ये तो करना ही पड़ेगा, तो ये करके बस ध्यान रख लेना कि ये तीन लिखना पड़ता है पहले। तो तीन है, रबी खरीफ और जायद भी प्राप्त की जाती है, तो आपके ओलिगो कल्चर आ जाएगा इसमें। रिले क्रॉपिंग में क्या होगा, रिले क्रॉपिंग में चार होगी, कैसे याद रखें, देखो आपके रिले रेस होती है ना, तो रिले में आपको पता है चार खिलाड़ी होते हैं, आगे से आगे वो पकड़ाते हैं उनको, रिले पकड़ाते हैं, तो फिर ये रिले उसी से याद रखना कि रिले यानी कि चार फसलें, एक खेत एक वर्ष और चार फसलें प्राप्त की जाती है, तो आपके ये रिले क्रॉपिंग कहलाती है। प्रश्न ऐसा नहीं है कि इनसे प्रश्न नहीं बनता है, इनसे प्रश्न बना हुआ है, ठीक है ना, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं, क्या कि वापस प्रश्न बने तो आप इनको छोड़ो नहीं और आपके प्रश्न गलत नहीं हो, इसलिए तो इन्हें भी मतलब जो चीजें करवा रहा हूं ना वो सारी अच्छे से आपको समझनी है और अच्छे से लिखनी है और अच्छे से याद करनी है। याद नहीं किया सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, हाथों हाथ याद करोगे तो सिर्फ रिविजन करना रहेगा, दो बार चार बार रिविजन करते ही आपके कंठस्थ हो गए, आप कई आगे होंगे बाकी अभ्यर्थियों से यदि आप नियमितता बनाकर रखते हो और अपनी आपको समय देते हो, अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को समय देते हो, अपनी किताबों को समय देते हो और इस संघर्ष के राह पर चलते हो, तो कहीं ना कहीं आप सफलता जरूर हासिल करोगे। इसलिए नियमितता रखना, इन्हें लिखो, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर साथियों आगे वर्गीकरण में अपन देख रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कृषि में माना जाता है स्थानांतरित कृषि या आदिम कृषि। जो कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं, जो वीडियो की परीक्षा दे रहे हैं, जो अदर राजस्थान के कंपटीशन के जो भी एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए, इवन कि यहाँ तक आरएस मेंस की भी जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये चीज स्थानांतरित कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको ये सारी चीजें याद करनी बहुत जरूरी होती है। इसमें क्या होता है साथियों, आदिम कृषि इसलिए कहा जाता है आदिम या स्थानांतरित कृषि कि आदिम जनजाति क्या करती है कि जहां पे रहते हैं वहीं पे आग लगा देते हैं। मान लो कहीं पहाड़ पे रह रहे हैं, कहीं मैदान में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे, तो वहां आग लगा कर क्या करते हैं, उसे पूरा साफ कर देते हैं। उसके बाद में उसके जो राख होती है वह दो तीन चार साल तक खाद का काम करती है, उसके बाद में उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है। तो जब तक वो उर्वर रहती है, उपजाऊ रहती है, तब तक उस पर खेती करते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि जगह चेंज कर देते हैं, स्थान का अंतरण, इसीलिए कहा गया स्थानांतरित कृषि। चार साल तीन साल चार साल कहीं करते हैं, फिर वापस तीन चार साल अगली जगह दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो वहां मतलब वो जमीन तो खराब हो जाती है, कृषि के योग्य फिर बाद में रहती नहीं, लेकिन वो जगह चेंज कर करके करते रहते हैं इसको, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। आदिम कृषि क्योंकि आदिम जनजाति द्वारा ये की जाती है तो आदिम कृषि भी इसे कहते हैं। इसमें से जो मेन प्रश्न बनते हैं साथियों, उसके अलग अलग नामों से प्रश्न बनते हैं सीधा ही आपको, या तो स्थानांतरित कृषि तो आप कर लोगे कि हाँ ये है, और अधिकांश जो जीके की तैयारी करते हैं उन्हें पता भी है कि ये चीज है, लेकिन इसके नाम से प्रश्न आते हैं और उन्हें याद रखना और उन्हें समझना जरूरी है। इसमें से राजस्थान से संबंधित आपको तीन नाम याद रखने हैं, एक तो वालरा, एक दजिया, एक चीमाता। इसको समझते हैं, उससे पहले ये समझ लेना भील गरासिया सहरिया आदि आदिम जनजाति जो है उनके द्वारा ये की जाती है। अब आदिवासियों द्वारा जो जंगल में आग लगाकर की जाती है, देखो जंगल के अंदर किसी जंगल को जलाकर यदि की जाती है तो उसे कहा जाता है वालरा कृषि, सीधा ही ये याद रखना है, ठीक है। आदिवासियों द्वारा जंगल में आग लगाकर जो कृषि की जाती है उसे वालरा कृषि कहते हैं। मैदानों में जो आग लगाकर कृषि की जाती है उसे दजिया कहा जाता है, और पहाड़ों पर आग लगाकर जो कृषि की जाती है उसे चिमाता कहते हैं, ठीक है। याद कैसे रखोगे, देखो वालरा याद रख लेना सीधा सीधा, जंगल में वालरा इसको तो एक तो याद कर लेना आप, इन दोनों की मैट्रिक बताता हूं आपको, इसको याद ऐसे रखना। देखो दजिया, दजिया से याद रखना कि द आएगा ना, कि इन दोनों के देखो इसमें भी द नहीं आएगा, इसमें भी जंगल में भी द नहीं आएगा और पहाड़ में भी द नहीं आएगा, लेकिन मैदान में द आ रहा है, तो द से याद रखना कि दजिया कृषि जो है मैदानों में की जाती है। तरीके हैं बस, इसीलिए तो आप पसंद करते हो ना, पहाड़ों में की जाती है। तो चिमाता देखो पहले ही अक्षर में यहाँ ऊपर उठा हुआ है, पहाड़ी कैसी होती है, ऊपर उठी हुई होती है, तो पहाड़ों में की जाने वाली कृषि जो है आपके चिमाता कहलाती है पहाड़ों पर, और फिर ये जंगल वाली आपके समस्या नहीं रहेगी, है ना, जंगल वाली नहीं रहेगी। इन दो चीजें आ गई तो फिर कंफ्यूजन वाला मैटर रहा ही नहीं आपके।
तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो क्योंकि आदिम जनजाति अपन पढ़ते हैं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा मतलब राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है वहां पे ये चीजें ज्यादा होती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर बारा और भी जो जितने भी ट्राइबल जो टीएसपी एरिया है जहाँ जनजातियां ज्यादा निवास करती है वहां पे ये कृषि ज्यादा देखने को मिलती है। और इसीलिए ये जिले आप जो है थोड़े से ध्यान में रखना क्योंकि प्रश्न बन जाए तो पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे क्या है। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है, हालांकि ये आपके इंडिया में वैसे का वैसे पढ़ना ही है तो यहाँ पे भी अपन थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं ठीक है कोई भी एग्जाम दे रहे हो। असम में इसे ये झूम या झूमिंग कृषि के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, वैसे तो झूम या झूमिंग वैसे स्पेशल असम के अंदर कहा जाता है। ठीक है, केरल के अंदर इसे चोनम कहा जाता है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश इसके अंदर इसे पोडू या पाई कहते हैं, कई जगह पाई पाई ऐसे लिखा होगा दो मात्रा ऊपर। ठीक है, मध्य प्रदेश में बीवर मसान कुमारी कहते हैं ज्यादातर, लेकिन मध्य प्रदेश का बस्तर वाला जो एरिया है उसमें इसे दीपा कहा जाता है, श्रीलंका के अंदर इसे चेना कहा जाता है। देखो केरल में चोनम है और यहाँ जाके नाम वापस बदल गया, चेना कहा जाता है, वियतनाम में रे कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में कोनुकू कहा जाता है। ये याद करने पड़ेंगे सारे के सारे, हालांकि अपने एक बार कोर्स पूरा हो जाएगा ना तो जो ऐसी चीजें हैं उनकी मैं ट्रिक बनाकर आपको वापस अलग से मतलब छोटी छोटी एक बार कोर्स पूरा होगा उसके बाद मैं क्लासे दूंगा छोटी छोटी जिसमें आपके जहां पे समस्याएं ज्यादा रहती है जब कंफ्यूजन ज्यादा रहता उनकी मैं ट्रिक बनाऊंगा और उनकी ट्रिक से आपको हाथों हाथ वापस दूसरी भी याद करवाने की कोशिश करूंगा। साथ छोड़ने वाला नहीं हूं, है ना, विक्रम बेताल की कहानी सुनी है ना, वो बेताल साथ छोड़ता ही नहीं है, वैसे के वैसे मैं भी आपका साथ छोड़ूंगा नहीं, आप निश्चिंत रहे। आपको तैयारी करवा कर आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हूं तो आप चिंता ना करें और इन्हें नोट करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड पूरी की पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद हो जानी चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसे नोट कीजिए। देखो साथियों जीके ऐसा है, जीके में अपन को भूगोल भी पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़नी है, कई चीजें हैं जो सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, इसीलिए तो कहते हैं कि जीके कठिन लगता है। कठिन क्यों लगता है, क्योंकि सारी सारी चीजें पढ़नी है जीके के अंदर, जीके कह दिया यानी सब आ गया। तो अब अपन जो पढ़ रहे हैं कृषि के अंदर, अपन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ रहे हैं कि इन अलग अलग कृषि से संबंधित जो शाखाएं हैं उन्हें वैज्ञानिक क्या कहते हैं, यानी विज्ञान के अंदर उन्हें क्या कहते हैं, और इनसे प्रश्न भी बहुत बनते हैं तो ये याद करने पड़ेंगे आपको क्योंकि प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो इनमें से ऐसा है साथियों कि जैसे हॉर्टिकल्चर है आपके वो फलों से संबंधित है, फलों की कृषि को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ओलेरिकल्चर जो है वो सब्जियों की कृषि है, फलों की तो हॉर्टिकल्चर है और ओलेरिकल्चर आपके सब्जियों की कृषि है। फ्लोरिकल्चर ये आसानी से याद हो जाएगी, फूलों की कृषि है। विटीकल्चर आपके अंगूरों की कृषि है, अंगूर ज्यादा से ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं। सेरिकल्चर आपके रेशम उत्पादन से संबंधित है, रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है और रेशम प्राप्त किया जाता है। वर्मिकल्चर जो है वो केंचुआ पालन है, ये केंचुआ जो है इसे केंचुए को किसान का मित्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, वर्मी, देखो वर्मी कंपोस्ट भी मिलती है, वर्मी कंपोस्ट यानी खाद मिलती है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, केंचुआ क्या करता है कि जमीन के अंदर जो है मिट्टी को मारवाड़ी में क्या पोली कर दे, यानी कि उसे थोड़ी सी खोखली कर देता, कोमल कर देता, उपजाऊपन बढ़ जाता है और इसका जो मल है वो भी खाद का काम करता है। तो ये केंचुआ इनके बहुत काम आता है। अब कई बार मैं पहले जब कई काफी साल पहले केंचुआ और कछुआ में अंतर ही नहीं समझता, कछुआ अलग है टॉर्टोइज अलग है कछुआ, ठीक है ये केंचुआ है। मारवाड़ी के अलिया पड़े ना कई बार बरसात में भी गिरते हैं, है ना, ये धीरे धीरे इस तरीके से छोटा सा एक देखते हैं, डायरेक्ट देखते तो ऐसे लगता है जैसे सांप का बच्चा है, लेकिन वो सांप का बच्चा नहीं होता है, वो केंचुआ होता है, ठीक है ना, जो किसान का मित्र कहलाता है। तो ये केंचुआ, वर्मी कल्चर, फिशिकल्चर फिश से संबंधित याद हो जाएगी, मछली पालन, एपिकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है मधुमक्खी पालन, एपिकल्चर और ये विटीकल्चर और सेरिकल्चर ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरिकल्चर समुद्री जीवों से संबंधित है, आर्बोरिकल्चर आपके वृक्ष व झाड़ी से संबंधित है, सिल्वीकल्चर वन संरक्षण से संबंधित है, ओलिविकल्चर ऑलिव ऑयल अपन कहते हैं ना, ऑलिव ऑयल भी कहते हैं तो जैतून का तेल जो ऑलिव ऑयल कहलाता है, जैतून की कृषि, ओलिविकल्चर जैतून की कृषि, वेजिकल्चर वृक्षों की आदिम कृषि, आदि मानव द्वारा वृक्षों की गई आदिम कृषि भी कह सकते हो, और एग्रोस्टोलॉजी जो है वो घास का अध्ययन है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं तो ये याद करनी पड़ेगी साथियों। देखो इसमें अपने जीके के अंदर जो चीजें, अब
ये हालांकि ये पूरी एक एक शाखा है और इसके अंदर बहुत सारा अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन अपने यहाँ पे काम की चीज इतनी सी है कि किस में कौन सा अध्ययन आता है और कौन सी किससे संबंधित है, यही चीज अपन को ध्यान रखनी है और यही एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है। जिसमें से देखो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूं, इसमें से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है एक तो ये अंगूर वाली, एक आपके रेशम वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक वर्मी कल्चर आपको आसानी से याद रह जाएगी, फिसिकल्चर नहीं, एक आपके ये एपिकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है आपके, और इसमें से आपके ये ओल्वी कल्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको याद हो जाती है तो कोई बात नहीं, नहीं भी होती तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो तीन चार बताइए ये आपको याद होनी ही चाहिए। और हाँ ये फलों वाली हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर ये एपिकल्चर विटिकल्चर सेरिकल्चर तीन, और ज्यादातर प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। अब आज मेरी जो श्रद्धा थी क्लास लेने की वो इतनी है, इससे ज्यादा अभी नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा सा अभी रिकवरी होनी है जुकाम की, अभी जुकाम है, थोड़ी सी हरारत है, हालांकि इतनी ज्यादा भी समस्या नहीं है, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे नॉर्मल सा है, दो तीन दिन तो असर इसका रहता ही है, बाकी ज्यादा कोई कोरोना कोरोना को नहीं है, तो थे मतलब ज्यादा टेंशन मत ले, जो क्लास आप ब्रेक नहीं करा, क्लास आपकी ब्रेक होगी नहीं, ऐसे ही चलेगी, जहां तक देखो मेरे बहुत बड़ी समस्या नहीं हो जाती तब तक मैं क्लास को ब्रेक नहीं करता हूं। हाँ बिल्कुल ये कंडीशन लेने की क्लास नहीं होती है तभी वो ब्रेक हो पाती है, बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं एक भी क्लास ब्रेक नहीं करूं, क्योंकि हजारों विद्यार्थी आस लगाकर देखते हैं और उन्हें समझ में आ रहा है और वे अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बाकी ठीक है। हाँ क्लास शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, आप ही का चैनल है, आप ही की क्लासेस है, और ये भी कहना चाहूँगा साथियों, देखो कई साथी कहते हैं कि सर आपसे बात करनी है, आपसे ये सलाह लेनी है, वो है, देखो सही बात बताऊं साथी, मैं आपकी हर शंका का, ज्यादातर का अभी जो सवाल आ रहा है वो कट ऑफ से संबंधित है, और वे जानना चाह रहे हैं कि मेरे इतने नंबर है मैं सेफ हूं या नहीं, इससे संबंधित मैंने मेरा जो अनुमान था उसका वीडियो बना दिया है, 1 लाख से ऊपर विद्यार्थी देख चुके हैं, तो वो चीज देख लेना आप। इसके अलावा मतलब बात का ऐसा है कि इतना मतलब टाइट शेड्यूल रहता है कि कई तो मेरे मतलब जो घनिष्ठ मित्र है वो भी नाराज चल रहे हैं कि यार ऐसे भी क्या मतलब जुनून है कि बच्चों को पढ़ाने का कि हमको भूल गए, भूले नहीं है, उन्हें भी मना लिया जाएगा समय के रहते, भूले नहीं है लेकिन थोड़ा सा जिम्मेदारी ले ली है, तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करना जरूरी है, बात नहीं कर पा रहा हूं तो वो भी आपके लिए ही है, कोशिश करता हूं कि कमेंट में ही रिप्लाई देने की, मेरे टीम के सदस्य भी दे देते हैं, कई बार मैं भी दे देता हूं, तो कोशिश ये रहती है कमेंट में ही रिप्लाई दे दिया जाए, टेक्स्ट में कोई मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट, यदि सामने देखो अब 4-5 हज़ार मैसेज व्हाट्सएप पर अनरीड पड़े हैं, कोई सामने खुल जाए फटाक से देख लिया तो मैं उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ, बाकी थोड़ी आप मैं समझ रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे परिस्थितियाँ, जो कार्य कर रहे साथियों आपके लिए ही कर रहा हूँ मैं और किसी के लिए नहीं, आपके भलाई के लिए, जैसे जैसे प्रोजेक्ट तैयार होकर आपके सामने आएंगे आपको खुद लगेगा कि हाँ सर ने हमको जो जैसे किताब का सर कह रहे थे, और खास तौर पर वन लाइनर का कहना चाहूंगा कि सर आपको लगेगा कि हाँ 5-7 किताबें पढ़ने की बजाय आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज आपके सामने आ जाएगा कि जो चीज पढ़नी चाहिए सारी अनर्गल बातें हटाकर वही चीज आपके सामने आ जाएगी, तो उसमें समय लगता है साथियों, तो इस चीज को आप समझें और उम्मीद कर रहा हूं कि समझ भी जाओगे, तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।